राम राम साहब, मैं मनोज चौधरी। फिलहाल मैं हूँ लूणकंड सर शहर के अंदर और अठिया अपने साथ ही एक प्रगतिशील किसान। पीछे थाने दिख रहे हो वो बंगलो, शानदार बंगलो है, कोठी टाइप है और यो सारो कुछ होड़ो है खेती हूँ। झूपड़ो थाने दिखने लग रहे पक्को और एक ऊपर जो नदियाँ के अंदर पानी हुआ है बहू की टोपी है वह बनाईड़ी है और बिन प्लास्टिक को जो तिरपाल है बहू डखरा की है ताकि यह खराब नहीं हुआ। एक और खासियत बताऊँगा खेत की, ऑन रोड आपको फार्म हाउस है बैठे हूँ। अगर अपन चालन शुरू हुआ तो खेत को लास्ट पॉइंट देखा जब तक अपन कोई कचरा वगैरह कोई कंकड़ पत्थर कुछ को नहीं मिलेगा। तो अपने साथ जगह किसान खड़े हैं बहुत परिचय ले सियाँ और यो जो फार्म में बनायो है काफ़ी मशहूर किसान ही इजराइल तक का दौरा भी यहाँ का करेड़ा ही पूरी जानकारी हम ले सियाँ। सब राम राम। राम राम सर। पूरा परिचय दे दो थारो। मैं श्री राम गोदारा जी, गाँव लाले राम जी, हाल लूणकंड सर में रह रहा हूँ जी। यहाँ पानी वाली खेती कर रहे हैं जी, सिंचाई की जी। ये जो खेती थे शुरुआत करी जो पोली हाउस की शुरुआत करी थे तो एक पीछे के कारण रही हो कि मन यह शुरुआत करनी चाहिए और कती के दिक्कत एक माँ पेश आई था। ये शुरुआत तो 2012 में मैं गया था इजराइल, वहाँ इजराइल में इस खेती की टेक्नोलॉजी वहाँ से देखी जी, सीखी जी। सरकार की तरफ से गया था जी, उस टाइम 3 मंत्री थे जी, जो मैन हरजीराम जी बुरुक थे जी, कृषि मंत्री उनकी देन थी हमें। तो 30 आदमियों का ग्रुप था जी, तो उसमें हम 15 तो किसान थे जी, 3 मंत्री थे जी, बाकी के उच्च अधिकारी थे जयपुर लेवल के, कृषि अधिकारी थे जी। तो वहाँ हमने अलग अलग झलक देखी, डेयरियाँ देखी जी, खजूर की खेती देखी जी, गुलाब की खेती देखी जी, ये पॉली हाउस नेट हाउस ड्रिप खेती जी, ये सारा सिस्टम देखा जी। पानी के बारे में भी हमने देखा जी, वहाँ पानी की कमी बहुत है जी, क्योंकि वहाँ 60% तो खारा समुद्र है, खारे समुद्र के वो समुद्र है सारे। और बरसात का पानी स्टोरेज करके और वो खेती कर रहे हैं जी। तो वहाँ ये चीज़ देख के हमने उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाया कि भाई एक देश में इसमें कुछ नहीं है, नए उपजाऊ जमीन है जी, फिर भी वो खेती कर रहे हैं। 60% तो खारा समुद्र है, 20% में नमक मर रहा है और 20% रकबा है वो, जैसे एक उदाहरण रूपी हमारे कोलाई तेरिए की जो जमीन है मोटे रेवे की जी, उस हिसाब की जमीन है जी, उसमें इतनी एडवांस ये अच्छी अच्छी कोस्टली खेती कर रहे हैं जी, और ये करके और बाहर निर्यात कर रहे हैं जी। हाँ, अपने अपने तरह ये मतलब कणक है जो है ये चीजें नहीं ले रहे हैं, ये आयात कर रहे हैं जी, और अपने से एडवांस है जी, अपने से इनकम भी उनकी ज्यादा, अपने से बहुत ज्यादा चौगुनी। तो मेरे दिमाग में ऐसी जची के भी अपने को कुछ करना चाहिए, अपने चलो अपने इंडिया में उपजाऊ जमीन है, पानी बहुत है जी, अगर और जनसंख्या काम करने वाली किसान खूब है तो क्यों नहीं करें जी। तो लूणकंड सर के बाजार के अंदर मेरे मकान था बहुत बड़ा जी, मैंने आते ही मेरे दिमाग में ऐसा चचा कि अपने को कुछ करना है जी। ये जो जमीन मेरी यहाँ है पड़ती है, ये शहर के नजदीक में ही है, रोड पे बीकानेर गंगानगर रोड के ऊपर पड़ती है बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, लड़के को लड़के की मम्मी को बोला भी अपने वहाँ कुछ करना है, खेती करनी है। इस सरकार ने अपने को सरकार लेवल पे वहाँ ले जाके वो खेती कारोबार मेरे अपने वहाँ ले गए थे, तो कुछ अपने को ही कुछ करना चाहिए जी, ऐसा नहीं सोचे कि भी अपने को सरकार घुमा के ले आई इजराइल जाए जी, उससे काम नहीं चलेगा, अपने को कुछ करना है जी, कि अपने वहाँ खेत में चले जी। तो मैंने वहीं से दिमाग में फीड ऐसा हुआ, तो उससे पहले मैं ये बात है मार्च की जी 2012 की जी, तो एक स्कीम थी वहाँ जब से मतलब मेरे पहले दिमाग में ये चीज़ आई जी कि भी इजराइल बरसात का पानी स्टोरेज करके डैम बना कर करके खेती कर रहे हैं ये ड्रिप सिस्टम से जी, तो अपने क्यों नहीं करे बिरानी में बिल्कुल। तो मेरा यहाँ से 20-25 किलोमीटर गांव दूर है, लालेरा गांव है खोखराना पंचायत में जी,
वहाँ जाके मैंने 165x165 की एक बीघे की एक डिग्गी एक स्कीम थी सरकार की जी, उसमें अनुदान था जी। तो मैंने अधिकारियों से जानकारी लेके जी ऐसा भी है कि ये स्कीम है इसमें आप दे सकते हो का मेरे को, कहे यार आप तो लेट बोले जी, मार्च का महीना है, हमारे पास टारगेट थे, किसी किसान ने नहीं किया काम जी, और आप चाहते हो तो हम कर सकते हैं जी, पर शर्त एक ये है कि इस मार्च 31 मार्च से पहले पहले बनाओ, पहले पहले उसको कंप्लीट करो, कंप्लीट करो, पीवी करवाओ। मैंने कहा साहब मैं 25 दिन में करवा दूंगा। तो मैंने फटाक से गंगानगर जिले में गया, वहाँ वहाँ से इंटरों कार और कार व्यवस्था करके वहाँ सादुल शहर की एक टीम मिल गई मेरे को डिग्गी चिनाई करने की जी। तो वहाँ से वो लाकर उनको ठेके पे देकर मैंने 15-20 दिन में लेबर लगा के और यहाँ से सामान ले जाना, वहाँ खेत में कच्चा रास्ता था जी, तो गाड़ियों से वहाँ जैसे गाँव में ताला जब पायतन था ना वहाँ तो खाली कराना, फिर ट्रैक्टर से दोबारा लोडिंग करके अनलोडिंग कराना मटेरियल जी, मेहनत करके मैंने 25 दिनों में ही वो डिग्गी तैयार कर दी, तैयार करवा दी। उस पर ये एक सिस्टम था सोलर लगाना जी, और 4 बीघों में ड्रिप बिल्कुल, ये भी उस डिग्गी के ऊपर सिस्टम अनिवार्य था जी। तो मेरे एक जची के अपने को ये लगा के वो फिटिंग करवा के फिर मेरे जची भी कुछ करना है, तो वो डैम के पाइथन तो बड़ा नहीं, बरसात का टाइम नहीं था मार्च में जी, तो मैंने ट्रैक्टर लगा के जी और गांव से तालाब का पानी लेके जी और 4 बीघों में टमाटर मिर्च जी और तरबूज जी, जो भी जैसे तरकाकड़ी चाती 4-5 तरह की वेजिटेबल सब्जी तैयार की जी। गांव वालों ने मेरे परिवार के भाइयों को बोला कि ये पागल हो गया, इजराइल क्या किया, ये तो पागल हो गया मतलब इजराइल जाते ही पागल हो गए, उनके समझ के बाहर का मामला था वो सारा। मैंने कहा यार 2 महीने यार मेरे को छुट्टी दियो आप, मेरे को मेरे हाल पे छोड़ दो, 2 महीने 2 महीने बाद पागल हो जाओ तो मेरे को दवाई इलाज करा लेना कि मैं तुम्हारा भाई हूँ छोटा। 2 महीने बाद में 60 दिन की वेजिटेबल की ये सब्जी वाला सिस्टम है, उस टाइम थोड़ा सा ठंड थी जी, तो मैंने ये जो मल्चिंग वाली खेती है ना कागज वाली, मल्चिंग और नो टनल ये मतलब जीरो पोली हाउस है ये, इससे ही हम कामयाब हुए थे, इसी खेत में हमने वो खेती की है। अच्छा, शुरुआत उससे की हुई है? हाँ, शुरुआत उससे की हुई है जी। उस टाइम मैं इजराइल नहीं गया था जी, बट ये तकनीक इजराइल की थी जी। मतलब इस तरह की जो बागवानी खेती है उसके अंदर आपकी रुचि शुरू से ही थी? शुरू से थी सर, ये 95 में मैंने किन्नू का बाग लगाया था 10 बीघों में। एक मिनट में आपको रोकूंगा, ये जो किन्नू के आपको पौधे दिख रहे हैं इनकी उम्र देखोगे आप तो बहुत कम लगेगी, 25 साल के ये पेड़ हैं, 25 साल पहले इन्होंने ये बगीचा लगाया था, अभी पोली हाउस इन्होंने लगा लिए तो इनको उखाड़ना पड़ा, ऑर्गेनिक हैं, आज तक इनके अंदर ना तो कोई पेस्टिसाइड डाला है ना कोई फर्टिलाइज़र डाला है, इनको अगर आप खा के देखोगे तो स्वाद इनका बहुत बेहतरीन है, हालांकि अभी ये 5-10 पौधे ही बचे हुए हैं जी सर। हाँ, तो ये क्या है फिर हमें जगह चाहिए थी जी, तो मैंने मेरे लड़कों को बोला कि एक तो अपना टहल का खेत है जी, पानी कम है जी, और अपने को ये खेती चेंज की है पोली हाउस वाली, तो इसमें अपने पानी चाहिए जी, तो अपना मतलब एक ही धंधा होगा जी। तो कि बाबा जी ये 20 साल के पेड़ आपने मेहनत करके होशियारपुर से पेड़ लाए, मटेरियल ड्रिप का उस टाइम ड्रिप नहीं मिलती थी, यहाँ ड्रिप नहीं मिलती थी, 20-25 साल शुरुआत में आप ड्रिप कहाँ से लेके आए थे? ये ड्रिप मैंने एक गंगानगर का डीलर था जी, वो एक्सपोर्ट करवाता था, पैसे लेकर वहाँ से माल मटेरियल मंगाता था इजराइल से जी। तो मैंने जानकारी करके मैं गंगानगर गया तो वहाँ एक रतन लीला बनिया था जी, उसने कहा चौधरी साहब 3 लाख रुपए जमा कराओ जी, उसके बाद मैं आपको माल मंगा के दूंगा। कौन से साल की बात है ये? है 95 के आसपास की, 1995 की। हाँ, 94-95 की बात है। उस टाइम में 3 लाख रुपए आज के 3 करोड़ रुपए के बराबर हैं। तो वो लाकर उन्होंने फिर वो क्या फिटिंग वाले सुपरवाइजर है जो डिजाइन बनाने वाले हैं उसे उसी हिसाब से फिटिंग की जी। फिटिंग करके मैंने वो ये बाग 15 बीघों में लगाया, 5 बीघों में अमरूद इलाहाबादी सफेदा और 10 बीघों में ये किन्नू। तो ये किन्नू के जो पौधे थे ना वो जो एक गंगानगर के हमारे डॉक्टर थे जी, बहुत जानकार थे जी, तो उन्होंने क्या राय दी कि आप अबोर शेरिया सप्पे वाली शेरिया से ना खरीदो और आप
वो पंजाब से खरीदा, पंजाब से होशियारपुर नर्सरी है सरकारी जी, वहाँ से लाओ जी। तो होशियारपुर जाके ये पौधे लाए, 10 बीघों में किन्नू लगाया, अच्छी फ्रूटिंग हुई जी, लाखों रुपए की हम आय कर रहे थे जी। फिर भी इसके पोली हाउस वाली संरक्षण खेती के आगे ये कुछ नहीं था, मेहनत ज्यादा है बिल्कुल, बढ़ाई ज्यादा है बिल्कुल। अभी इसे 2024 के अंदर किसान का किन्नू 8 रुपए 10 रुपए बिका है, बिल्कुल बिका है। मेरा खीरा 35 रुपए किलो बिक रहा है बिल्कुल। तो इसको उखाड़ा, मेटेरियल उखाड़ा, ये आपके सामने पड़ा साइडों में जैसे दीवार के पास, पोली हाउस के पास में सारा ये इजराइल का मेटेरियल है, इजराइल का मेटेरियल है। हाँ, ये पड़ा, कुछ भी पड़ा सारा है। सारा उखाड़ के और जगह खाली करके, और 2016-17 में मैंने अलग अलग हिसाब से छोटे किसान बना के फाइलें ऑनलाइन करवा के जी, और अभी 22-23 में फाइलें जैसे 23-24 में जैसे 22-23 में मतलब ऑनलाइन सिस्टम है, ये लॉटरी सिस्टम है जी, तो नंबर आ गया हमारा। तो ये 2 पोली हाउस तो मेरे 2 बीनियों के नाम से है जी, उसके बाद में 2 बेटे हैं उनके नाम से फाइल आ गई जी, उसके बाद में मेरे घरवाली की आ गई जी, लास्ट में बचा वो मेरे नाम से आ गया। ये आपके सामने जो अभी बन रहा है जी, ये 7वां पोली हाउस है, 7वां पोली हाउस, 7वां पोली हाउस है जी। तो ये बन रहे हैं, जगह भी चाहिए, कुछ हमारे के फार्म के अंदर थोड़ी सी ये लाइट की जो लाइनें और ये टावर निकले हुए ये डिस्टर्ब है जी, इससे भी डिस्टर्ब हो रहा है जी। अधिकारियों को और जो राज जो जनप्रतिनिधियों के कई बार मैंने रिक्वेस्ट की इसको कैसे करके शिफ्ट करने के लिए, लाइन से कर दो जी, हमारे खेत से मत निकालो, थोड़ा सा किला लाइन में कर दो ना, तो हमारे और पोली हाउस और प्रोजेक्ट लगाने बिल्कुल, ये हमारी थोड़ी सी परेशानी हो रही है जी। फिर भी चलो, जनप्रतिनिधि है, सरकार है, हमारा सहयोग करेगी, वो धीरे धीरे जैसे काम होगा आगे बढ़ेगा, उस बात के लिए उम्मीद भी रख रहे हैं जी। तो ऐसे ऐसे है, ये आपके सामने है, और लाखों रुपए की जैसे 2 पोली हाउस थे जी, तो इसमें लोगों को रोजगार भी दिया है, दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हो भाई, लाखों रुपए कम से कम 10-15 लाख रुपए 2 पोली हाउस में दे रहे हैं जी, और हमें भी कुछ बच रहा है बिल्कुल, तो एक तरह का रोजगार भी है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक तो मान लो लेबर किसान जा रहा है नरेगा में, हाँ, और एक किसान के खेत में काम कर रहा है, बहुत फर्क है ना, बहुत फर्क है। वहाँ तो ये पसीने की कमाई है, वो फर्जी है, फर्जी है, 100-200 रुपए मिलेंगे और पे, उस राशि से, उस राशि से किसान है जो खुद का मतलब खेती मेहनत करना छोड़ रहे हैं, बिल्कुल छोड़ दिया, खुद के खेत में नहीं जा रहा है। मतलब आजकल जब अब लावणी हार्वेस्टिंग का टाइम होगा, लावणी बोलते हैं अपने, वो टाइम आएगा तो मजदूर लेबर नहीं मिलेगी अपने को, तो नरेगा की एक देन है कि लेबर नहीं मिलती, भगवान का सहयोग मिलेगा, राज्य सरकार का मान लो कैसे भी जैसे भी सहयोग मिलेगा, तो आने वाले टाइम में ये 7 पोली हाउस अभी भी चल रहे हैं, चलते चलते 7 चल जाएंगे ना जी, तो यहाँ 30-35 किसानों के मजदूरों को तो हम रोजगार देंगे बिल्कुल, दिल्ली का 30-35-40 जो भी, और प्रोजेक्ट इस टाइम का होगा कि भी करोड़ के आसपास चले जाएगा जी। और इसमें एक मजे की बात ये, हम पेस्टिसाइड खाद DAP यूरिया कुछ यूज नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, जैविक कर रहे हैं सारा सिस्टम, ये आपके सामने वो प्लांट लगा रखा है, वहाँ गोमूत्र है, डी कम्पोजर है, वेस्ट कम्पोजर है, हाँ, सारा है, जो भी है जो उस हिसाब से हम कर रहे हैं जी, तो वो चीज डाल रहे हैं आपके सामने है। लोग कह रहे हैं कि यूरिया DAP पेस्टिसाइड वगैरह खेती होती नहीं, ये आपके सामने कणक है, ये ड्रिप पे लगी हुई है, सरसों ड्रिप पे लगी हुई है, 1 मीटर का पाड़ा है बिल्कुल, और 100 ग्राम सीड लगा इसमें, बीघे का मात्र 100 ग्राम, 100 ग्राम बीज, और हाथ से बिजाई की हुई है, हाथ से बिजाई की हुई है जी, और ये कम से कम 5-6 क्विंटल की एवरेज देगी। ये इधर आपके सामने गेहूं खड़ा है, हाँ, ये जैविक है सारा जी, कोई पेस्टिसाइड, मतलब यहाँ पेस्टिसाइड का कोई काम नहीं है। जो भी है पेस्टिसाइड, अगर बात करें कीटनाशक की तो वो जैविक है, फर्टिलाइजर की बात करें तो वो जैविक है, पूरे तरीके से। कल हमने 25 तारीख को एक किसान, छोटा सा किसान सम्मेलन रखा था हमारी तरफ से जी, कभी अपने कुछ गोष्ठी होगी, इच्छुक किसान हो, किसान इकट्ठे होंगे तो उनका अपनी खेती देख के उनका मनोबल बढ़ेगा बिल्कुल, या कोई अपने से थोड़ा एडवांस किसान है तो वो अपने को नॉलेज देंगे कि भी इसमें थोड़ा सा एक चीज ये और जोड़ो जी बिल्कुल, तो भी अपना मनोबल बढ़ेगा बिल्कुल। कुछ विभागीय अधिकारी, कृषि अधिकारी भी इन्वाइट किए थे जी,
उनको इसलिए मतलब इनवाइट किए भी हमारे किसानों को थोड़ी राय दो कौन कौन सी स्कीम है जी सरकार की तरफ से जी ऐसे करो वो करो तो सुझाव भी दिलवाया। बिल्कुल। तो इस हिसाब से अभी मेरा तो ये रुझान है कि भी इस हिसाब से हर किसान को करना चाहिए चाहे बहुत जरूरी नहीं कि छह पोली हाउस लगाए, एक लगा ले, छोटा लगा ले, एक बीघा में लगा ले, दो बीघा में लगा ले, लेकिन उसको करना चाहिए। आज युवा के हाथ में मोबाइल है, बिल्कुल है, भाग रहा है, बिल्कुल सर्विस नहीं लगा, ये हो गया, वो हो गया, वो मैं दो नंबर से रह गया, नकल हो गई, पेपर लीक हो गया, वो हो गया। मैं इस खेत में कोई पेपर लीक नहीं हो रहा है, कुछ नहीं लीक हो रहा है। मेरे दो लड़के हैं जी, तो वो कभी 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 हम बैठते हैं तो उसकी मम्मी वो कह रहे हैं क्या है, तो आप लड़कों को पढ़ाया नहीं, बाजार के अंदर कोई दुकान नहीं की, कोई फैक्ट्री नहीं खोली। मैंने कहा ये 25 बीघों में फैक्ट्री खोल रखी है, बिल्कुल, और तेरे बेटे दो बेटे हैं, इनकी महीने की 1-1 लाख तनख्वाह है, बिल्कुल, कोई रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं, घर के घर पे 10 बजे उठे तो कोई दिक्कत नहीं, 6 बजे उठे तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल, नौकरी वाले को तो 8 बजे उठ के 10 बजे ऑफिस में जाना है, 9-10 बजे पहुँचना पड़ेगा उसको, नहीं जाता तो नोट लग गया, काम ढंग से नहीं हुआ तो नोटिस, सस्पेंड, तो बहुत से लफड़े हो जाते हैं। मेरे को तो मेरा तो ये सुझाव है कि युवाओं को भी ये इस लाइन पे आना चाहिए। जी बिल्कुल। युवा लोग बाहर जा रहे हैं, कोई कह रहा है कनाडा जा रहे हैं, कोई कह अमेरिका जा रहे हैं, क्यों जा रहे हो? बिल्कुल। अब युवा साथ युवा जो पब्लिक जा रही है, बच्चे जा रहे हैं, तो बुजुर्गों के संस्कार तो जा रहे हैं, बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, पीछे खत्म हो रहे हैं, वो जर्मिनेशन जो आज का है उसमें वो नॉलेज तो नहीं रहेगा ना, नहीं रहेगा, संस्कार नहीं रहेगा, बिल्कुल। तो ये बात है, मेरा तो यही सुझाव है, करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और अपने साथ श्री राम जी गोदारा हैं, लूनकर्ण सर के प्रगतिशील किसान, काफ़ी प्रसिद्ध किसान हैं, इजराइल तक के दौरे किए हैं, और सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो भी इनसे इस चीज़ के बारे में काफ़ी पूछते हैं, इनसे लेते हैं नॉलेज और वो किसानों को आगे बताते रहते हैं। आपको ये वीडियो में जानकारी कैसी लगी? आप भी इस तरह की खेती करें, जरूरी नहीं कि आप अपने खेत के अंदर 6-7-5 पोली हाउस लगाएं, एक बीघा के अंदर भी आप लगा सकते हैं। 95% फिलहाल सरकार की तरफ से अनुदान दिया जा रहा है, एक रुपया खर्च हो रहा है तो उसमें आपके 5 पैसे ही खर्च हो रहे हैं, और इस तरह की खेती करके जो युवा बेरोजगार बैठे हैं वो रोज़गार पा सकते हैं। काफ़ी शानदार इनकी अर्निंग है, इनका खेत काफ़ी शानदार है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर ज़रूर करें। राम राम साहब। राम राम साहब।